नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। आज का टॉपिक जो मैं करने वाला हूं वो है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और चारों तरफ गर्मी अच्छी खासी पड़ रही है, टॉपिक है हीट स्ट्रोक, जिसको सन स्ट्रोक भी बोलते हैं, और आम भाषा में जो माइल्डर वर्जन है, लू लगना। तो मुझे लगा ये, क्योंकि GI सिस्टम और सारे सिस्टम से बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये बहुत कॉमन है, और दूसरा ये कभी कभी बहुत गंभीर भी हो सकता है। तो एक्चुअली में होता क्या है, तो देखिए, बाय डेफिनेशन जो हम बोलते हैं सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक, हम तब बोलते हैं जब पेशेंट को फीवर आने लगे। जनरली लू लगने में भी फीवर आता है कुछ लोगों को, जैसे लू एक माइल्डर वर्जन हम मान सकते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा गंभीर होता है तो हमें अस्पताल ही जाना होता है। तो यहाँ तीन क्राइटेरिया बड़े इंपॉर्टेंट है कि हीट एक्सपोजर होना चाहिए पेशेंट को, यानी जैसे गर्मी है उसमें चला गया हो अचानक से, और उसके बाद जो उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होना चाहिए, यानी फीवर आया उसको। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्ट्रोक वर्ड यहाँ क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि जैसे ब्रेन स्ट्रोक होता ना, कि मतलब BP हाई होने से जो लकवा लगता है, ऐसी इसमें हीट स्ट्रोक से भी प्रॉब्लम आ सकती है, यानी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं। तो माइल्ड सिम्टम में चक्कर आना, वीकनेस आना, उसके साथ में ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ड्राउजीनेस आ सकती है, डलनेस आ सकती है, और साथ में न्यूरोलॉजिकली कभी कभी सीवियर हो जाए तो आदमी बेहोश भी हो सकता है और उसको सीजर्स भी आ सकते हैं। तो हीट स्ट्रोक अपने आप में एक गंभीर चीज़ है, और इससे हमको ज़रूर बचना चाहिए गर्मी के मौसम में, जो हम लोग काफ़ी हद तक जानते भी हैं, बट कुछ चीज़ें जो समझने की हो सकती हैं। नंबर एक, इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ कि एक्चुअली में हमारी बॉडी जो है वो, हम बाय डेफिनेशन देखें तो हम वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, मतलब हमारा शरीर गर्म रहना चाहिए, जिसका नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर जो है वो 36 या 37 तक डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होना चाहिए बॉडी का। हमारी बॉडी इस तरह से डिजाइंड है कि इस टेम्परेचर पे हमेशा कंट्रोल करती है। यदि ठंड के मौसम में रहेंगे हम तो बॉडी हीट जनरेट करती है कि बॉडी वार्म बनी रहे, अगर गर्मी का मौसम है तो यहाँ हमारे मैकेनिज्म ऐसा है कि बॉडी शरीर को ठंडा रखती है। तो गर्म कैसे करते हैं ठंड में, कि हमको शिवरिंग होने लगती है, कपकपी आती है, और ये सारा कंट्रोल हमारे हाइपोथैलेमस से होता है। ब्रेन में एक एरिया होता है जिसे हाइपोथैलेमस बोलते हैं, ये हमारे बॉडी के कोर टेम्परेचर को हॉर्मोन्स और कीमो बोलना चाहिए रिसेप्टर से और कीमोकाइन से जो है कंट्रोल करती रहती है, बॉडी के कंट्रोल को सेंस करती है, और उस हिसाब से बॉडी में टेम्परेचर को गेन या लूज करती है। गेन करने के लिए हमको शिवरिंग होती है, मसल कॉन्ट्रेक्शन बार बार होते हैं, दांत किटकिटाना वगैरह होता है, जिससे हमारी बॉडी हीट जनरेट करती है और हम ठंड में बच पाते हैं। गर्मी में क्या होता है कि गर्मी में हमारे बॉडी में पसीना आने लगता है, स्वेटिंग आने लगती है, तो जो हमारी जो स्किन के आसपास जो ढेर सारी ब्लड वेसल्स है उनका सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और फिर स्वेट ग्लैंड से पानी बाहर आता है, और जो स्किन हमारी गर्म हो रही होती है चारों तरफ जो गर्मी में, वहाँ पे ये पानी आता है और ये हवा बन के उड़ जाता है। अब ये उड़ने की प्रक्रिया में जो ये हीट स्किन से यूज़ करता है, तो यहाँ से हमारा पानी जो है वो तो हवा बन के उड़ जाता है हीट लेकर, अब ये हीट लेकर उड़ता है इसलिए हमारी स्किन ठंडी हो जाती है, हालांकि वो लगातार फिर गर्म हो रही होती है इसलिए पसीना हमारा लगातार बन रहा होता है। तो ये जो प्रोसेस है पसीना उड़ने की, ये हमारे बॉडी को ठंडा करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि हमारा वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो यहीं पर अब हमें समझना है कि हीट स्ट्रोक कब हो जाता है। हीट स्ट्रोक जनरली तब होता है जब हमारे शरीर में एक्सपोजर हीट का बहुत ज़्यादा हो रहा हो और हमारे बॉडी में पानी की कमी हो रही हो। तो इससे बचने का तरीका भी है कि हमें हमेशा गर्मी में बहुत हाइड्रेटेड रहना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, ठंडी चीज़ें बहुत पीना चाहिए, जो हमें अच्छी भी लगती है, और जब कभी हमें लग रहा है कि अब हम गर्मी में जाने वाले हैं हमारा एक्सपोजर, तो उससे बचने की कोशिश करना चाहिए। जाने से पहले हमें अपने आप को ढेर सारा हाइड्रेट कर लेना चाहिए, पानी, जूस, छाछ, शिकंजी, मिल्क, जो भी आपको पसंद है वो खूब पी लेना चाहिए कि अपना वेल हाइड्रेटेड हो। धूप से बचने की कोशिश करें, छाता, सनस्क्रीन, कपड़े का उपयोग करें, तो इस तरह से जाएंगे कि सन एक्सपोजर कम हो, मतलब अगर हीट बहुत ज़्यादा है तो। बाकी जो है खान पान इस तरह से रखें कि आपको जो है एनर्जी मिलती रहे। अब अगर हीट स्ट्रोक हो ही गया, लू लगी गई है, तो उस समय फिर हमको देखना कि यदि ये माइल्ड है तो घर में आप मैनेज कर सकते हैं, ठंडा रखिए, कूलर में रहें, AC में रहें, पंखा चला के रखें, ठंडे पानी की पट्टियाँ करें, ठंडी चीज़ें पिए, और इस तरह से एक दो दिन में जनरली ये ठीक हो जाता है लू लगना, जो बहुत कॉमन है। तो यहाँ पे ढेर सारा हाइड्रेशन, कूलिंग इफेक्ट,
आप उसको सन को हीट को अवॉइड करें, आप ठीक हो जाएंगे 2 दिन में। पर अगर इसके साथ में अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ रहे हैं, चक्कर आने लगा है, बेहोशी सी छा रही है, बेहोशी हो गए, तो ये फिर घर में इलाज नहीं होगा, आपको तुरंत अस्पताल जाना है। क्योंकि हीट स्ट्रोक कभी कभी टेम्परेचर बॉडी का 105, 106, 107 तक भी जा सकता है, जो अपने आप में लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। मतलब ये कभी कभी इतनी स्थिति बनती है कि अस्पताल में फिर आपको ठंडा करके पानी की बोतलें चढ़ाई जाती हैं। इवन आइस इमर्शन तक बोला गया है कि अगर बहुत हाई टेम्परेचर 107 तक है तो पूरे के पूरे पेशेंट को ठंडे पानी में, आइस वाटर में डुबाना भी पड़ता है। हालांकि ये बहुत कम होता है, बट ऐसी आवश्यकता कभी कभी पड़ सकती है। तो कहने का मतलब है कि हीट स्ट्रोक को कतई हल्के में ना लें। जो अभी गर्मी का मौसम है, ये इस तरह से है कि ये परेशानी क्रिएट कर सकता है, और इससे बचना बहुत आसान है। सन एक्सपोजर से बचें, कवर करके चलें, और सबसे इम्पोर्टेंट ढेर सारा हाइड्रेशन लें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर ना लाएं। तो मतलब एसी में बैठे हुए हैं या एसी कार में बैठे हैं, एसी मॉल में घूम रहे हैं, और अचानक से बहुत हीटेड उसमें आ गए, बहुत गर्म माहौल में आ गए, और वहाँ पे थोड़ी, यहाँ पे आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं करती, बड़ी तेजी से आपको स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, कुछ सवालों के जवाब दिए होंगे, कुछ सवाल आप पूछ सकते हैं, वीडियो को शेयर एंड लाइक भी कर सकते हैं। नमस्कार।